हेलो दोस्तों, पाकिस्तान में हुंडई कंपनी के द्वारा ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया, जिसके कारण भारत में ट्विटर पर हैशटैग बायकॉट हुंडई का ट्रेंड शुरू हो गया है। हुंडई एक दक्षिण कोरिया की कार बनाने वाली कंपनी है। इसके कई देशों में प्लांट लगे हैं। दोस्तों, जितनी भी कंपनियां होती हैं, वह जिस भी देश में जाते हैं वहां पर अपनी एक और कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं। जैसे हुंडई इंडिया में आई तो हुंडई इंडिया, और पाकिस्तान में गई हुंडई पाकिस्तान हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान में 1990 से 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है। कश्मीर एकजुटता दिवस अर्थात पाकिस्तान भारत के कश्मीरियों के साथ में एकता दिखाने के लिए कि हम भारत के कश्मीरियों के साथ हैं, और कश्मीरियों के मन में फूट डालने का काम करता है। और कश्मीरियों ने पाकिस्तानी हुंडई के ट्वीट का जवाब तिरंगा फहरा कर किया। इस विरोध के कारण पाकिस्तानी हुंडई को यह पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। अब बात करते हैं पाकिस्तानी हुंडई के पोस्ट के बारे में, जिसमें उन्होंने लिखा था, आइए हम अपने कश्मीरी भाइयों के बलिदान को याद करें और उनके समर्थन में खड़े हों, क्योंकि वह आजादी के लिए संघर्ष जारी रखते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। इस कंपनी ने भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को लेकर भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, जिसके जवाब में एक यूजर ने लिखा, 2021 में भारत में हुंडई मोटर्स की कारें 5,50,000 बिकी, जबकि पाकिस्तान में 8,000। इसके बावजूद हुंडई ने अपने पाकिस्तानी हैंडल के जरिए भारत को चोट मचाई है। इतना सब होने के बाद भी हुंडई पाकिस्तान ने माफी नहीं मांगी और कहा, हुंडई ब्रांड के लिए भारत दूसरा घर है। हम असंवेदनशील बातों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। हम इस तरह की किसी भी बात की कड़ी आलोचना करते हैं। हम भारत के प्रति कमिटमेंट हैं, और इस कारण हम इस देश और यहाँ के नागरिकों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। इसी तरह से हम सभी हिंदुस्तानियों को मिलकर चाइनीज सामानों का भी बायकॉट करना चाहिए।